أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. अल्लाह अल्लाह ताला ने नज़ला नाज़िल फरमाया अहसन हदीस बेस्ट बात, अल्लाह ताला ने बेस्ट बात नाज़िल फरमाई है। ये अहसन हदीस किस तरफ इशारा है? हम तो हदीस समझते हैं ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो हदीस है। हदीस का असल जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है बात। तो बेस्ट बात किसकी है? अल्लाह की बात। अल्लाह ताला ने बेस्ट बात नाजिल फरमाई, इसको मानते तो सब लोग हैं, हम सब कहते हैं कि हाँ कुरान से बेहतर कोई नहीं। लेकिन फिर मुझे बताएं, जो जिस चीज को हम मानते हो कि हाँ ये बेस्ट है, उसके लिए तो हमें भाग भाग के उसको सुनना चाहिए, उसको लेना चाहिए, उसको उसको लर्न करना चाहिए। लेकिन क्या बात है कि वही सबसे पीछे होती है। अमल में और चीजें हमें बेस्ट लगती हैं, ड्रामे, मूवीज, लोगों की बातें, लोगों से बात करना, उससे बात कर लूं, उससे बात कर लूं, ये टेक्स्ट, ये और चीजें, ये हमें बेस्ट बातें लगती। अगर हमें वाकई कुरान बेस्ट लगता होता कि ये बेस्ट बात है, तो हम कभी इसको पीछे करके और चीजों को आगे ना करते। यहाँ पे पांच सिफात बताई गई है कुरान की, कि सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला ने बेस्ट बात उतारी है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई, जैसे मैं और आप बात कर रहे हो तो वो बातें आम यानी लोगों की बातें नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। जैसे इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने, लेकिन पहले उनका सीना बंद था, जब सीना खुल गया सुभान अल्लाह, तो कुरान पढ़ते थे और कुरान पढ़ते हुए उनकी हालत क्या हो जाती थी कि कुरान के ऊपर अपना सर डाल देते थे, इसको चूमने लगते थे, इसके ऊपर अपना सर डाल देते थे, फरमाते थे ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। इसको रब से मोहब्बत होगी, कैसे हो सकता है उसके कलाम से ना मोहब्बत हो? और वो भी उसका कलाम बेस्ट कलाम है। तमाम उलूम के ऊपर कुरान की फजीलत ऐसे है जैसे कि तमाम मखलूक पे अल्लाह ताला की, इसलिए कि बाकी जितनी चीजें हैं वो सब इंसानों की हैं, जितनी बातें जितने उलूम है इंसानों, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट नाजिल हुआ। कितनी बड़ी बात है कि कायनात का खालिक मालिक रब एक नन्हे से जर्रे से बात कर रहा है। कहां वो और कहां हम जब कुरान खोले ना, तो ये सोच के खोला करें कि ये किसका कलाम मैं पढ़ने जा रही हूं। ऐसे ही वैसे किसी का नहीं, अपनी फ्रेंड का, अपनी अम्मी का, अपनी बहन भाइयों का नहीं, ये रब्बे कायनात का कलाम है। ये सोच के खोले कुरान को, ऐसे ही वैसे किसी की बातें नहीं है, तभी तो सीना खुलेगा ना फिर इसके लिए। फिर दूसरी इसकी बात क्या है? किताब मुतशाबिहन, ऐसी एक किताब है जो मुतशाबे है, यानी इसमें जो बातें हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक दफा एक बात की गई हो, फिर उसके बाद दूसरे कोई और मौके पे कोई और सूरत में जाके बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर दी हुई हो, तो इंसान सोचे कि आई पहली वाली बात सही थी या दूसरी। जैसे हम होता है ना, आज हमारा मूड अच्छा है तो हम कुछ बात कर रहे हैं, तो कल हमारा मूड खराब हो जाता है तो फिर हम कुछ और ही कहना शुरू हो जाते हैं, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं है। कुरान पाक में एक बात जो कही गई, अगर आपने उसकी तफसीर देखनी है ना, तो कुरान में ही आपको उसकी तफसीर मिल जाएगी। नहीं, अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करता, टकराती नहीं है दूसरी किसी और जगह। तो 30 पारे हैं, वो हो सकता है पहले पारे में कोई बात हो और 29वें में कोई और बात हो। नहीं, ऐसे नहीं है। कुरान में हर बात दूसरी बात की ताईद करती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना, हमें तो समझ ही नहीं आती, ये तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारी अपने बहाने हैं कि हमें नहीं समझ आती। अगर आप किसी से समझेंगे तो आपको कुरान करीम की यानी बातें ऐसे लगेंगी कि एक दूसरे के साथ
सपोर्ट करने वाली हैं, दूसरी एक एक जगह आती है तो दूसरी जगह डिफरेंट तरह से उसी मौजू को बताया जाता है कि बात समझ आ जाए। और फिर नंबर थ्री इसकी सिफत क्या, मसानी, दोहराई जाने वाली। अब देख लें कि हम जैसे लाता जीरो वादिरा तो मिजरा उखरा हमने पहले भी पढ़ा हुआ, ये दोबारा आ गया। फिर इसी तरह सूरज चांद की जो मिसालें आती हैं कि ये निशानियां ये कितनी दफा आ चुकी हैं। फिर इसी तरह जन्नत जहन्नुम का जिक्र बार बार आता है। फिर आगे आगे आता है फबी अला रबी कुमा तो कतिबानी, ये कितनी दफा आयत आई है। तो इस तरह से यानी दोहराई जाने वाली आयत है। दोहराई क्यों जाती है? इसलिए कि जब नसीहत इंसान करता है ना किसी को, इंसानी तौर पे भी हम देखें तो क्या करते हैं, हम बार बार कहते हैं उस बात को। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये है कि हम माएं जो है वो अपने बच्चों को जिंदगी में एक दफा बताती हैं, दो दफा बताती हैं, बताती ही जाती हैं, बच्चे भी थक जाते हैं, कहते हैं वही बात आपने पहले भी बताई थी। लेकिन हम क्यों बताते जाते हैं? अब हमें पता है कि हमने बताई भी है इनको, फिर भी हम कहते ही जाते हैं, कभी किसी वक्त, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह। क्यों? हमें इतनी हमदर्दी होती है, इतनी मोहब्बत होती है ना अपने बच्चों से कि हम उनको नसीहत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो हम जानते हैं कि हमने बताया हुआ, पिछले हफ्ते भी बताया था, कल भी बताया था, पिछले साल भी बताया था, फिर बताते। हम नहीं चाहते कि इनको कोई नुकसान पहुंचे। तो अल्लाह ताला क्यों बार बार बताता है? वो किससे भी आते हैं, कहीं शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का, कहीं लूत अलैहिस्सलाम की कौम का, क्यों? लोग कहते हैं जी बार बार वही बातें, बार बार। वो तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा रब तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता है? हम अपने बच्चों को इतनी दफा नसीहत करते हैं हालांकि पहले बताया होता है, सिर्फ इनकी मोहब्बत में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये फिसल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये इस बात को भूल जाए। तो उनकी मोहब्बत चूंकि इतनी ज्यादा हमारे दिल में, हम बार बार नसीहत करते हैं, वो तंग आ जाते हैं लेकिन हम नहीं हटते। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्यों बार बार बताया है? क्योंकि उसको इंसान से मोहब्बत है, वो नहीं चाहता कि हम इन चीजों में पड़ जाएं जो इन कौमों ने की, या इस अंजाम को पहुंच जाएं जो कयामत के में खसारे का बायस बने हमारे लिए। वो बार बार बताता है, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह हमें समझाता है। तो दोहराई जाने वाली इसके अंदर आयात है। और तक्शायरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, ये फोर्थ इसकी सिफत ये है कि ये कुरान ऐसा कलाम है, सुभान अल्लाह, के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इससे, यानी तकशायरु यानी कांप जाती हैं इससे, जिसको कह जाते हैं सुकड़ जाती हैं इससे खाले उन लोगों की जो डरते हैं अपने रब से, जिसको कहते हैं ना कि ये हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। इस तरह से इंसान के ऊपर असर होता है इसकी आयात का, लेकिन सबके ऊपर नहीं होता। किन के ऊपर होता है? अल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम, वो जो डरते हैं अपने रब से, जब वो कुरान की आयात को सुनते हैं उन पे खौफ तारी हो जाता है, उनके जिस्म लरजने लगते हैं। और खौफ का जब गलबा होता है ना, तो आप खुद नोट करिएगा कि ये आपके बाल खड़े हो जाते हैं। इसी को कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये इंसान के ऊपर यानी कैफियत तारी हो जाती है, और ये कैफियत सिर्फ यानी आज नहीं है, ये तो सहाबा कराम के ऊपर इस कदर यानी ज्यादा इस चीज का गलबा होता था कि हजरत उमर ने एक दफा तहज्जुद में सूरह तहा पढ़ रहे थे, तो जब आयत आई ना, इन्ना अज़ाब रब्बी कला वाक़ि मा लहू मिन दाफ़, तेरे रब का अज़ाब जरूर आने वाला है, जरूर वाक़ि होगा, उसको कोई चीज टाल नहीं सकती। तो जब ये आयत पड़ी, इतना असर हुआ उनके दिल पे कि फरमाने लगे, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ताला ने सच फरमाया, सच फरमाया। उसके बाद अपने घर आ गए और फिर उनका ये हाल था कि कई दिन तक बीमार पड़े रहे। इतना असर इस आयत का हुआ उनके ऊपर। फिर आप देखें, बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि हमारे असलाफ किस तरह से कुरान करीम की आयात पढ़ते तो कैसे रोते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है कि एक आदमी ने उनके पास आयत पढ़ी कि वाइज़ा उल्कु मिन्हा मकानन दय्यकन, जब उनको डाला जाएगा एक तंग जगह पे, यानी जहन्नुम के अंदर मुकर्रनीन जकड़े हुए जंजीरों में, दाऊ हुनालिका सुबूरा, तो उस वक्त वो मौत को पुकारेंगे। सूरह फरमान की आयत है।
तो इतना रोए कि हिचकियां बंद गई। तो अपनी जहां पे मजलिस में बैठे हुए थे वहां से उठ खड़े हुए घर चले गए और लोग भी इधर उधर बिखर गए थे, सारी बातें वहीं की वहीं रह गई, यानी सिर्फ उनके सामने एक आयत का पढ़ा जाना था कि उनकी ये हालत हो गई। लेकिन ये किसकी हालत होगी, जिसको समझ तो आए कि कहा क्या जा रहा है। वो हमारे सामने तो इमाम भी रोते जाते हैं नमाजों के अंदर, वो इतना रो रहे हैं उनकी हिचकियां बन गई हैं। हम कई दफा ये यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, कई तिलावत सुनते हैं, वो इतना रो रहे थे, अब हम कहते हैं पता नहीं क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हैं ये यहाँ, पता नहीं, आवाज तो हमें बड़ी अच्छी लगती है उसकी वजह से हम सुन तो लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं समझ आता कि इनको इतना रोना किस बात पे आ रहा है। हो सकता है कोई जहन्नम का जिक्र होगा जो इतना रो रहे हैं, बस ये सोच लेते। अब वो देखिए, जब तक दिल के ऊपर ना जाके लगे कुरान, तब तक अरे रोना कैसे आएगा, तब तक जिल्द कैसे सुकड़ेगी, तब तक रोंगटे क्यों खड़े होंगे जिसको समझ ही ना आ रही हो। इसका मतलब है कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो अल्लाह ताला की कलाम को सीखते हैं, समझते हैं, उनके दिल फिर उनके दिलों पे इतना रोब छा जाता है, और फिर वो जो दिल जब कांप उठता है ना तो उसके असरात फिर जिस्म पे भी आते हैं। अल्लाह अकबर। तो वो दिल फिर क्या हो जाता है, उसका हाल क्या हो जाता है कि जिस्म ये जिल्द तक के ऊपर, दिल तो कांपता ही है, जिल्द तक के ऊपर असरात आते हैं। और ये जब ऐसा किसी का हाल होता है तो फिर जाहिर है उसका सीना भी इसके लिए खुल जाता है, फिर कुरान अंदर उतरता है। वो ये उन लोगों की निशानी है जो अल्लाह का डर रखते हैं। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में तो एक दफा आता है कि वो खामोश बैठे हुए थे, तो उनके जो उनके शागिर्द या जो उनके पास लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा आप इतने खामोश क्यों हैं, तो इतनी प्यारी उनकी ये बात लगती है, तो फरमाते हैं कि मैं कभी जन्नत वालों का सोचता हूँ कि कैसे वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होंगे, कैसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे, कैसे खुश होंगे। फिर मैं सोचता हूँ जहन्नुम वालों का कि वो कैसे फरियादें कर रहे होंगे, कैसे चीख रहे होंगे, और फिर इतना रोने लगे कि लोग फिर उठ के चले गए। उनके तो कई दफा के ऐसे वाकयात आते कि इस तरह उनके ऊपर रिकतारी हो जाती थी। तो हम देखेंगे क्या कुरान पाक सुन के कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसे हम भी कांप जाते हैं कि जब जहन्नुम की बात आती है, जब अजाबों की बात आती है, जब अल्लाह ताला झोड़ देता है इंसान को हिसाब किताब की बात से, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होता है, क्या हमें समझ आ रही होती है, और अगर समझ आ रही होती है तो क्या हमारे ऊपर ये कैफियत तारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा के साथ एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, तो जोर से हवा चली। नहीं, अब ये इसे आप नोट करिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाते कैसे थे सहाबा को। ये नहीं होता था हर वक्त कोई एक दर्स हो रहा है तो उसमें बैठे हुए, तो बस दर्स शुरू हुआ फिर दर्स खत्म हो गया, फिर उसके बाद कुछ पता ही नहीं है कि कोई अल्लाह रसूल की बात भी हमने की थी, वो ऐसे नहीं सिखाते। बातों बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से सहाबा की ट्रेनिंग करते थे। तो हवा चली ना, तो दरख्त के पत्ते गिरने लगे और जो सब्ज पत्ते थे वो ऊपर है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस दरख्त की मिसाल क्या है। सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल को ही ज्यादा पता है, मैंने एक सवाल पहले पूछा। फिर आपने फरमाया ये दरख्त मोमिन की मिसाल है, जब खौफ खुदा से इसके उसके जिस्म के रोंगटे खड़े होते हैं तो उसके गुनाह झड़ने लगते हैं और नेकियां बाकी रह जाती हैं। जैसे इसके ऊपर जो ग्रीन पत्ते थे वो वैसे ही रहे और जो बोसीदा पत्ते थे वो गिरने लगे ना, तो इस तरह जब इंसान के ऊपर खौफ खुदा तारी हो जाता है कि उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं तो उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पुराने बोसीदा पत्ते झड़ती, इतनी तेजी से उसके गुनाह झड़ते। हमने देखा हवा जब चलती तो कैसे कितने पत्ते गिरते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक मैं कहती हूँ रहमत है, जिसके साथ ऐसा हो कि उसका दिल नरम हो, उसका दिल कांप उठे, इसको बुरा नहीं समझना चाहिए। और फिर हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने बताया कि जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता था तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन ये भी यहाँ पे याद रखिए कि ये नहीं होना चाहिए कि इंसान को हाल चढ़ जाए और हाल चढ़ के वो गोल गोल घूम रहा है और वो पागलों की तरह हो गया है या इस तरह कांप कांप के दिखा रहा है, ये शैतानी बात है।
जो कई जगह पे आप देखते हैं कई वीडियोस में कि लोग ऐसे कर रहे हैं और वो पता नहीं अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पर कुरान का बड़ा असर हो गया। नहीं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं ना उनका ये होता है, वो ऐसे नहीं हो जाते कि वो हाल दुखाइयां शुरू हो गए और चीखे मारने शुरू हो गए और इस तरह ऐसे नहीं हो रहा होता। वो देखें उनका क्या हाल होता है। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। फिर नंबर 5 बात क्या है, जब पहले उनका ये हाल होता है ना कि अल्लाह के जिक्र से उनके रोंगटे खड़े हो जाते, फिर नरम पड़ जाती हैं उनकी जिल्दें, उनकी जिल्दें उनकी खालें नरम हो जाती हैं, यानी फिर काम डाउन हो जाते हैं। कैसे काम डाउन होते हैं, कि जब अल्लाह की रहमत की बातें आती हैं, जब जन्नत की बातें आती हैं, जब अल्लाह की तरफ से मगफिरत की बात कि अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, जब ये बातें आती हैं तो उनकी खाले नरम पड़ जाती, यानी अब वो रिलैक्स होते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, ये कैसे अल्लाह से डरने वाले लोग हैं कि देखो पहले उनका क्या हाल होता है, लेकिन जब अल्लाह ताला की ऐसी चीजें ऐसी रहमत की बातें पढ़ते हैं सुनते हैं तो फिर वो उनके काम डाउन हो जाते हैं, उनके दिल अल्लाह के जिक्र से उनकी जिल्दें नरम हो जाती हैं। सूरह अनफाल में हम पढ़ चुके हैं इन्नमल मुमिनून अल्लदीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल खौफजदा हो जाते हैं, जब उनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो सिर्फ अल्लाह पर ही तवक्कल रखते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, ये मोमिन की सिफत है कि वो जब कुरान सुनेगा ना तो उस वक्त उस जब ऐसी कोई आयात आएंगी उसका दिल खौफजदा हो जाता है, फिर उनका ईमान बढ़ता है अल्लाह की आयात सुन के वैसे नहीं रहते कि जैसे आए थे मजलिस में वैसे ही उठ के चले गए, ऐसे नहीं रहते। और वो ऐसे नहीं कुरान सुनते जैसे सूरह फुरकान में है कि वो जब उनके सामने रब की आयात की तिलावत की जाती है तो वो अंधे और बहरे बन के इन पे नहीं गिरते, यानी अंधे बहरे बन के क्या कि बिल्कुल कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या हो रहा है, वो अपने ही कामों के अंदर मशगूल है या फिर कानों में बात जा भी रही है तो कोई गौर नहीं है ना, दिल पे कोई असर है, वो अपने हंसी खेल में ही लगे हुए। लेकिन जब ऐसी कोई मजलिस होती है दर्स की, बार दफा उसके अंदर बहुत ऐसी बातें होती हैं जिनसे दिल नरम हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उठ के वो खेल तमाशा शुरू होता है, वो हंसी मजाक और वो खाने पीने और वो ऐसे होते हैं कि सारा असर वहीं छोड़ के और फिर हम घर चल पड़ते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, उस असर को बाकी रहना चाहिए। अल्लाह का जब आयात आए तो गूंगे बहरे बन के ना उसको सुने। ज़ालिका हुदल्लाही यहदी बिही मन यशा। अच्छा, एक पीछे की बात का ये भी मतलब है, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ उनके दिल हो जाते हैं, यानी फिर उसके बाद अमल की तरफ वो मायल होते हैं, वो दिल पे लेते हैं इन बातों को। यहूदियों की तरह नहीं कि जिनके बारे में कुरान में आया ना कि जब जिनको तौरात दी गई उनकी मिसाल उस गधे की तरह है जो बोझ उठाता है और गधे को तो पता ही नहीं कि उसने क्या बोझ उठाया हुआ, किताबें उठाई हुई तो उनमें क्या है, उसके लिए तो बस बोझ ही है, वो इनकी तरह नहीं होते। ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ। ये अल्लाह की हिदायत है, ये कुरान जो है ना ये अल्लाह की तरफ से हिदायत नामा है, जिसको हिदायत पानी है वो इसकी तरफ आए, इसके जरिए अल्लाह हिदायत देता है जिसको अल्लाह चाहता है। अल्लाह हिदायत मिलती तो अल्लाह के इरादे और तौफीक से ही है, लेकिन देता अल्लाह इसी के जरिए है। وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ। और जिसको कि अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो नहीं उसके लिए कोई हिदायत देने वाला। अब आप कहें कि लो फिर वो बेचारे का क्या कसूर है कि अगर उसको गुमराह अल्लाह नहीं कर दिया। एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला इंसाफ फरमाने वाला है, वो किसी हिदायत के तलबगार को महरूम नहीं रखता कि कोई बेचारा इतना हिदायत का तालिब हो, इतनी उसकी कोशिश चाहत है कि मुझे हिदायत मिल जाए और अल्लाह उसको ना दे, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, मगर ये है कि अल्लाह उसको नहीं हिदायत देता जो ना सुनता है ना सुनना चाहता है, जो बेखौफ होता है,
बेखौफी से अल्लाह की आयतों के सामने भी रहता है। और यहाँ से ये भी पता चल गया कि हिदायत सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी के हाथ में नहीं, किसी का इख्तियार नहीं है हिदायत के मामले में। अब ये पता चल गया कि यहाँ से जो कुरान पाक की सिफात हमें मालूम हुई है, उसके बाद फिर हमारा क्या रवैया होना चाहिए कुरान पाक को सुनते वक्त, इसको हमें किस तरह लेना चाहिए, जब हम तिलावत सुने तो फिर हमारे तिलावत का कैसे असर होना चाहिए हमारे ऊपर, और कुरान को अमल के लिए हम सुने इसके लिए अपने सीने को खोलें कि खोलेंगे, मतलब खोलना मतलब क्या, यानी अमल के लिए सुने, ऐसे ही नहीं बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हाँ सुननी है तिलावत। हमेशा कुरान करीम के साथ एक ताल्लुक रहना चाहिए इसका मतलब, क्योंकि इससे जुदाई जो है वो अल्लाह से जुदाई है, इससे दूरी अल्लाह से दूरी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ना, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उनको उनकी जानें भुला दी। फिर हम सोचते हैं हम अपने लिए कुछ ये कर लेंगे, अल्लाह के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने लिए ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, इतना अपने लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना हो जाए, वो अल्लाह ताला उसको उसका अपना आप भी भुला देता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।